स्वच्छता में नंबर एक का दर्जा कायम करने वाले इंदौर शहर को पहली बार यातायात में अव्वल बनाने की कवायद है। यातायात सुव्यवस्थित करने के लिए ब्लैक पॉइंट के साथ कट पॉइंट को बंद करवाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी खतरनाक चौराहों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह और ट्रैफिक अधिकारी सुनील शर्मा राजीव गांधी चौराहे से लेकर राव चौराहे का निरीक्षण करने पहुंचे। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर थाने से लेकर राव चौराहे तक लोगों ने जगह जगह 31 कट पॉइंट बना लिए हैं, जहां हमेशा हादसों की आशंका बनी रहती है। अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह और ट्रैफिक अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों यातायात सुधार संबंधी बैठक में सांसद शंकर लालवानी के सुझाव के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधार संबंधी निर्देश दिए थे। जीतू माथुर के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। आज आपने यातायात संबंधी जो है वो दौरा किया है, किस तरह की व्यवस्था सुधार की कवायद की जा रही है इंदौर शहर के यातायात के लिए? ऐसा है कि कुछ दिनों पहले जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक जिला यातायात समिति की एक बैठक हुई थी, उसमें ट्रैफिक के बहुत सारे मुद्दे मैंने जिनसे बार बार एक्सीडेंट होते हैं या जो खतरनाक पॉइंट है, ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया गया था और उन पर काम करने के लिए कलेक्टर साहब के और जिला यातायात समिति के निर्देश थे। उसमें बहुत सारे बिंदु जो है ट्रैफिक पुलिस ने उठाए थे, तो उसी कड़ी में बहुत सारे काम होने हैं। उनमें से एक काम ये है जिस रोड पर हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं, ये बीजलपुर से आगे, ये रोड मूलतः PWD का है, लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का है। इसमें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक कट बना लिया है लोगों ने। इस तरह के करीब 31 कट लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बना लिए जो एक्सीडेंट पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ से कोई गाड़ी मुड़ना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा से इनको तोड़ ताड़ के और बना लिया है, तो इन कटों को बंद कराना है। उसमें हम लोगों ने लोक निर्माण, हमने भी लिखा है और ट्रैफिक पुलिस ने भी लिखा है लोक निर्माण विभाग को। इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे भंवरकुआं चौराहा में आपने देखा होगा, भंवरकुआं थाने की वजह से और वहाँ एक शिव मंदिर है, उसकी वजह से वहाँ लेफ्ट टर्न नहीं बन पा रहे दोनों साइड के। तो अभी मैं 12:30 बजे मैं जा रहा हूँ विश्वविद्यालय, कुलपति महोदया से मिलना है और उनसे टाइम लिया हमने, और हमको विश्वविद्यालय में थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ थाना और मंदिर शिफ्ट किया जा सके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, जिनमें काम किया जाना है, और उसी कड़ी में हम लोगों ने आज दौरा किया। आ जाओ यातायात के संबंध में बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। पिछले दिनों जो बैठक हुई थी उसमें आप लोगों ने कई मुद्दे भी उठाए थे आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से, किस तरह की शिकायतें और क्या निराकरण करवाया जा रहा है? पिछले दिनों माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, उसमें मिनिमम एक्सीडेंट, मिनिमम कैजुअल्टी, कम से कम दुर्घटनाएं और कम से कम मृत्यु और कम से कम चोट होना के ये संकल्प लिया गया था। इसके ही अंतर्गत एडिशनल कमिश्नर श्री सेंगर साहब के द्वारा हम दोनों मिलकर साहब और हम लोग जा रहे हैं, और जितने भी ब्लैक स्पॉट टाइप के बन रहे हैं पॉइंट, प्लस जो कट पॉइंट अवैध रूप से कट पॉइंट बना लिए गए हैं राजेंद्र नगर थाने से लेकर राउ तक, लगभग 31 पॉइंट हैं, वो उन पॉइंट को चिन्हित करके उनको बंद करवाना है। और जो अथोराइज कट पॉइंट हैं या जहां तिराहा चौरा है जहां दिया गया है उन्हीं पॉइंट को रखना है, इसके लिए आज सर्वे चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।